पॉइंट्स को देखते रहिएगा, क्योंकि मैंने स्लाइड्स के साथ साथ जो है वो बोर्ड को भी इस टाइम कवर कर दिया। सो एनी आइडिया कि अभी तक उन्होंने वाटर में क्या चीज कवर की है? ये एक लाइट ऑफ कर दी ताकि आप लोगों को स्लाइड्स में। जी बच्चों, मैम वाटर में सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, ट्राइएटॉमिक स्ट्रक्चर है, और फिर उसके बाद हमने इसकी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी है कि ये वीक थोड़ी बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर में नहीं होती स्पेसिफिक, ये दूसरे भी मॉलिक्यूल्स में होती है, जिस तरह एल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स में, और इस तरह प्रोटीन्स में भी होती है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर उसके बाद हमने सब लोग मास्क लेके बैठे हैं क्योंकि किसी टाइम भी कोई भी आ सकता है, तो हमें जो है वो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ओके, सो वाटर एक आंदोलन, ये मुश्किल गाना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी वाटर एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक वाटर का जो हम एक प्रॉपर्टी कहते हैं कि इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, इस चीज को हमने जस्टिफाई किया है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर उन इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व किया जो कि इसे एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट एक्ट करने में हेल्प करती हैं, एंड द नेम ऑफ दीज इंटरेक्शंस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसा क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर को एक वर्सटाइल या यूनिवर्सल सॉल्वेंट बना रही है? बिकॉज विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम जितने भी जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके अंदर ऐसे ग्रुप्स अवेलेबल हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल है। यानी आपके पास अगर किसी भी स्ट्रक्चर में यू हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और दूसरी तरफ आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अवेलेबल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये ग्रुप्स क्या करेंगे आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने बेस बना के एक्चुअली हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि जिन भी सिस्टम्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटीज है वो वाटर के अंदर आइडियली डिजोल्व हो सकती है। इसमें हमारे पास जो है वो आयनिक सॉल्यूट्स भी आ जाते हैं, आयनिक सॉल्यूट्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं, लेकिन इसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि इसमें एक्चुअली जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है उसका ब्रेक करना जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करता है, ये एनर्जेटिकली एक फेवरेबल प्रोसेस है। उसके बाद हमने इंटरेक्शन की बात की थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने सेकेंड यहाँ पे जो है वो पॉइंट कंसिडर किया था। हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि अगर आपके पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें पोल्स डेवलप होते हैं, एंड वी ऑल नो कि पोल्स उन्हीं बॉन्ड्स में डेवलप होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, डिफरेंस होता है। सो अगर आपके पास किसी ग्रुप में, किसी स्ट्रक्चर के अंदर यू हैव ग्रुप्स जो कि पोलर है, जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एक तरफ पोल है और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव पोल है, तो ये वो ग्रुप्स हैं जो कि वाटर के पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेंगे। सो वी कैन से जो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर बड़े स्मार्टली जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं। देन हमने नॉन पोलर कंपाउंड की बात की थी कि नॉन पोलर कंपाउंड या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है इनके अंदर किसी भी किस्म का ऐसा आप कह लेंगे फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है जो कि वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर सके। इट मींस कि अगर आप किसी भी नॉन पोलर सॉल्यूट को एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास लेयर्स बन जाएंगे, वो कभी भी एक दूसरे के साथ फेवरेबल इंटरेक्शन डेवलप नहीं करेंगे। और लास्ट में हम लोगों ने एंटीपैथिक जो कंपाउंड्स हैं इनकी एग्जाम्पल ली थी कि ये एक्चुअली वो कंपाउंड होते हैं जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप इसे किसी पोलर सॉल्वेंट या एक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व करते हैं या इसको सिंपली इसमें ऐड करते हैं तो ये जो एम्फीपैथिक कंपाउंड्स हैं ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, ये सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करने की कोशिश करते हैं, ये डिसऑर्डर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, अपने अराउंड जो वाटर का एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रैक्टिस में एक्चुअली ये क्या करते हैं बाय लेयर्स या बाय सील्स बना लेते हैं। That's why ये जो bilayer और mycelium हैं, these are the favorable structures और biological systems में जो lipids हैं, वो हमेशा mycelium या फिर layers की form में exist करते हैं। Is it clear? ठीक है? उसके बाद उन्होंने last section में थोड़ा सा जो है वो osmolarity को discuss किया था कि हमारे पास solute की concentration actually ये चीज decide करती है कि water की net movement किस direction में होगी। एंड द मूवमेंट ऑफ वॉटर एक्चुअली सेल का जो एक स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर उस सेल में से ज्यादा वॉटर मॉलिक्यूल
जाए तो वो श्रिंक कर जाता है, और अगर जरूरत से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसकी तरफ ऐड होना शुरू हो जाए तो वो बर्स्ट कर सकता है। सो अगर आपका एक जो वाटर है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, आप बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन इस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हमने एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन की बात की थी, इट मींस कि आपके सेल्स के पास कोई कंपनसेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। उन्होंने इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में सोल्यूट्स की भी क्वांटिटी ज्यादा है, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट कर रहे हैं, एज अ केमिकल मैसेंजर्स रिएक्ट कर रहे हैं, अगर कैल्शियम की बात करें ठीक है, सिग्नलिंग में भी रोल प्ले कर रहे हैं। सो इस हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन के अंदर और एक्वस मीडियम के अंदर जो हमारे सेल्स हैं वो अपनी ऑस्मोलैरिटी को कैसे मेंटेन रखेंगे, वो अपने आप को श्रिंक होने से या बर्स्ट होने से कैसे बचाएंगे, जितने भी हमारे पास ऐसे सोल्यूट्स अवेलेबल होते हैं जो कि पॉलीमराइज हो सकते हैं, लाइक आप ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हो कि ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या स्टार्च में कन्वर्ट हो सकता है, उन सोल्यूट्स को ये कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में अलाउ नहीं करें, फॉर स्टोरेज पर्पज ओनली। अगर तो ऑक्सीडेशन होनी है इट मींस कि फौरी तौर पे ग्लूकोज में 10 एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एक्ट करेंगे, उसे पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देंगे, वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, वो तो सेल के ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ग्लूकोज को बल्क क्वांटिटी में स्टोर करें लिवर सेल्स के अंदर, तो लिवर सेल्स को यहाँ पर अपनी ऑस्मोलैरिटी, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी उसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो लिवर सेल्स क्या करेंगे, जितना भी ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द वन रीजन कि हमारे पास जितने भी जो पॉलीमर्स हैं वो मोनोमेरिक फॉर्म में क्यों स्टोर नहीं होते, हमेशा पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में स्टोर क्यों होते हैं। देन हमने एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शंस में वाटर का रोल देखा था कि एक्चुअली जो वाटर एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड द सब्सट्रेट एंड एंजाइम, ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ही एंजाइम और सब्सट्रेट के दरमियान जब इंटरेक्शन होती हैं तो उन्हें क्या बना देता है, फेवरेबल बना देता है। क्योंकि अगर आप गौर करें, नोटिस करें, तो जब ये सब्सट्रेट एंजाइम को अप्रोच करेगी तो इस मोमेंट पे आपके पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल सब्सट्रेट के अराउंड है और एंजाइम के अराउंड है, ये ब्रेक होंगे, ये ऑर्डर स्ट्रक्चर को डिसऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। और ये वाला जो प्रोसेस है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इट मींस कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स का एंजाइम और सब्सट्रेट इंडिविजुअल या सेपरेट एंजाइम और सब्सट्रेट को लाइन करना या उनको कोट करना, एक्चुअली उनके जो केमिकल इंटरेक्शन है सेकेंड स्टेप में जो होंगी उसको फेवरेबल बनाना, ठीक हो गया। और लास्ट में हमने प्रोटॉन चैनल की बात की थी या प्रोटॉन हुपिंग की बात की थी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स का एक नेटवर्क है वो एक तरह का ट्रैक प्रोवाइड करता है, एक तरह का पाथवे प्रोवाइड करता है प्रोटॉन्स को मूवमेंट के लिए। लाइक आपने यहाँ पे प्रोटॉन चैनल की एग्जाम्पल देखी थी कि दीज आर दी प्रोटीन्स जो कि एक कंपार्टमेंट से प्रोटॉन्स को शिफ्ट करती हैं टू दी सेकेंड कंपार्टमेंट। सो एक्चुअली आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका प्रोटॉन ये नहीं है कि यहाँ से प्रोटॉन उठेगा और फिर यहाँ इतने ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पे रस्ते में उसको मल्टीपल ऐसे मॉलिक्यूल्स फेस करने पड़ रहे हैं जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं कि वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर प्रोटॉन इस प्रोटीन के इस चैनल में से इंडिविजुअली पास करता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे प्रेजेंट कोई बेसिक अमाइनो एसिड उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। इस जो यहाँ पे साइड रिएक्शंस हैं या ये जो आपके पास यहाँ पे साइड इफेक्ट्स अगर मैं कहूँ, इसको मिनिमाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन चैनल का ये जो होल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन रिलीज करता है तो अल्टीमेटली दिस वाटर मॉलिक्यूल विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, और फिफ्थ वाला फाइनली जो है वो आपके सेकेंड कंपार्टमेंट से अपनी इस प्रोटॉन डेफिशिएंसी को क्या करेगा, पूरा कर लेगा। सो इस तरह से एक कंपार्टमेंट से जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन हुपिंग के थ्रू यानी इस हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू मूव करता है फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू दी अदर कंपार्टमेंट। सो हुपिंग इज एक्चुअली यू कैन से इट इज सिनोनिमस टू जंपिंग, ठीक है। सो आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ से जंप कर रहे हैं, उनके पास जो पाथवे या ट्रैक अवेलेबल है वो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक्ड हैं उसको वो एज अ ट्रैक यूज करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन वाटर में नहीं? चले फिर हम एक सेकेंड एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि हम ये भी कहते हैं कि वाटर जो है ये आयनाइज हो जाता है, और वाटर की वजह से हम किसी सिस्टम की, क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर एसिड्स जो है वो अपना प्रोटॉन लूज करते हैं और बेसिस प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं। सो इसकी आयनाइजेशन को पहले पढ़ेंगे और फिर उस आयनाइजेशन को हम पीएच पीओएच के साथ रिलेट करेंगे और फाइनली हम बफर्स को पढ़ेंगे।
ठीक है। सो यहाँ से आयनाइजेशन से ऑनवर्ड आपको उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल्स इस पे बेस करते हैं। और आगे जब हम अमाइनो एसिड्स की टाइटरेशन की बात करेंगे तो मैं बार बार यहाँ पे वाटर की आयनाइजेशन की बात करूंगी। तो आप लोग यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करके जाएंगे आज, ठीक है। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये चीज कहते हैं कि हम किसी सिस्टम के अंदर प्रोटॉन या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते। So, इस टाइम हम बोर्ड को कवर करते हैं। देयर इज अ जनरल एक्सप्रेशन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें आपका कोई वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटॉन लूज करता है हाइड्रोक्साइड आयन को स्क्वायर करता है। बट विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम यूजुअली जो प्रोटॉन्स हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकते? बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा है कि प्रोटॉन्स की जो नेट मूवमेंट है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, या अगर किसी कंपार्टमेंट में प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वहां पर एक फोर्स डिवेलप होना शुरू हो जाती है जिसे हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। और अल्टीमेटली प्रोटॉन अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जाने की कोशिश करते हैं, इस दौरान वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में कभी भी जो प्रोटॉन्स हैं अंटिल एंड अनलेस उस चीज की जरूरत ना हो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे अगर किसी एक वाटर मॉलिक्यूल ने ड्यूरिंग आयनाइजेशन अपना प्रोटॉन लूज किया है तो देयर विल बी अ सेकंड वाटर मॉलिक्यूल जो कि उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ठीक है। सो अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी भी जगह पे बुक में H3O पॉजिटिव लिखा हुआ मिले, इट मींस कि आपके पास ये वो वाटर मॉलिक्यूल है जिसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है एंड यू कैन सी इट इज इक्विवेलेंट टू वन प्रोटॉन, क्योंकि एक्चुअली ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद है, ठीक है। सो आप अगर जो है वो H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव लिखोगे इट मींस वन प्रोटॉन एंड वन हाइड्रोक्साइड, समझ आ गई। तो अगर आप लोग अब नेक्स्ट किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर या वैसे आप लोगों को ड्यूरिंग कैलकुलेशन कहा जाता है कि इस मीडियम के अंदर या सिस्टम के अंदर H3O पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन इतनी है तो यू कैन सी कि ये जो एक्चुअली कंसेंट्रेशन आपको प्रोवाइड की गई है ये प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन, क्लियर हो गया। अब अगर इसी हम जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें प्रोटॉन एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। यूजुअली हम ये कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम, वो उसमें प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इन दोनों की रेशियो है। आप अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेक करना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में इस केमिकल रिएक्शन में कितनी जो है वो प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन होती हैं, तो आप इस तरह से हैं, इसलिए न्यूमेरिकल फॉर्म है, इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अरेंज करते हो, इनकी मोलर कंसंट्रेशन को लिखते हो। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोडक्ट और फिर रिएक्टेंट्स, और अगर प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा है तो आप उनका प्रोडक्ट लोगे, इसी तरह से अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा है तो आप उनका क्या लोगे, प्रोडक्ट। सिंपली वी कैन से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर द रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स भी एक से ज्यादा होंगे तो उनकी भी कंसंट्रेशन का मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसलिए आप इनको रिप्लेस इस तरह से नहीं कहोगे क्योंकि हमने ये चीज जो है ये एज अ कॉन्स्टेंट रखी हुई है कि जब भी आप किसी भी सिस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पीशी की कंसेंट्रेशन की बात करते हो तो आप उसको जो है वो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हो जिससे ये पता चल जाता है कि आप इस टाइम आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है, उसकी मोलर कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी। अगर ग्लूकोज है इट मीन्स कि आप किसी सोल्यूशन या मीडियम में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन में इंटरेस्टेड हो। अगर आपके पास यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन आप लिख देते हो तो इट मीन्स आप उसकी मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन में इंटरेस्टेड हो, इज इट क्लियर, ठीक है। अब इससे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो हमने इस केमिकल रिएक्शन के लिए निकाला है इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड वी ऑल नो कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको 25 डिग्री सी 180 प्रेशर यानी कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि केमिस्ट ने डिवाइस किए हुए हैं उसके ऊपर हम उस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं और उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू निकालते हैं।
और वो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, हम जहां पे भी कैलकुलेशंस करते हैं हम वो कांस्टेंट ही वही वैल्यू यूज करते हैं, बिकॉज जो एक यूनिवर्सली स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के ऊपर हम उस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करके उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। सेम इज द केस विद द के इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर, जिसकी आपके पास वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁶ मोलर, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास कांस्टेंट कंडीशंस पे आ रही है। कांस्टेंट कंडीशंस क्या है कि आप इस केमिकल रिएक्शन को अगर 25 डिग्री सी पे स्टडी करते हो, प्रेशर आप इसका रखते हो 1 atm, इसी तरह से आप स्टार्टिंग में जो मोलर कंसंट्रेशन है उनको 1 molar रखते हो, यानी अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन से केमिकल रिएक्शन को पढ़ना शुरू करते हो तो आप हमेशा 1 molar कंसंट्रेशन से स्टार्ट करोगे। सो इन कंडीशंस के ऊपर वाटर का जो के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट होता है उसकी वैल्यू क्या आती है 1.8 × 10⁻⁶ मोलर, ठीक है। सेकंड पैरामीटर है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी मोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो अगर हम प्योर वाटर की मोलैरिटी की बात करें तो इट इज इक्वल टू 55.5 मोलर। अब अगर इसकी भी कैलकुलेशन देख लें, ये भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने जब इसकी मोलैरिटी की बात करनी है वाटर मॉलिक्यूल की, तो वी हैव अ फॉर्मूला दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मैम नजर नहीं आ रहा, सॉरी नजर नहीं आ रहा। तो इट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास 1/dm³, और अगर आप इसको चेंज करते हो 1 liter से आप ऊपर 1000 लगा देते, ठीक है। सो अगर आप इस फॉर्मूला के अंदर वाटर की जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है यानी इसका मॉलिक्यूलर मास पुट करो 18 g/mol, उसके अंदर आप उसका मास रखते हो यूजुअली 1 gram, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे जो है वो सिंपल एक रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेके जा रहे हो, तो आपने उसकी जो स्टैंडर्ड सारी की सारी वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं कि इट इज अ कांस्टेंट फिगर, जब आप किसी भी सॉलिड या सॉल्यूट को उसकी 1 gram कंसंट्रेशन लेके कैलकुलेट करते हो, ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन को देखते हो तो आप उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके मास को सम करते हो, ठीक है। लाइक अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें यू हैव एन ऑक्सीजन और इसका मॉलिक्यूलर मास आपके पास 16 है, यू हैव टू वाटर मॉलिक्यूल्स और हर एक सॉरी टू प्रोटॉन्स और हर एक प्रोटॉन के लिए आप 1 कंसीडर करते हो, सो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे 18 g/mol इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। 1 gram आप इसका मास लिखोगे 1000 और नीचे 1 dm³ है यूजली। सो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आएगी इट इज 55.5 मोलर। चाहे अभी कैलकुलेट करके देखें, इफ यू पुट 1 gram 18 g/mol 1000 और सिंपली 1000 ओवर 18 इज इक्वल टू, इक्वेशन के अंदर हमारे पास वी हैव टू डिफरेंट कांस्टेंट्स, एक तरफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कांस्टेंट है जिसकी हमने वैल्यू निकाली है 1.8 × 10⁻⁶ मोलर, एंड द सेकंड कांस्टेंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ठीक है। सो ये आपके पास आएगी 55.5 मोलर। अगर आप इस केमिकल इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को जो है वो एक तरफ ले हैं और जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक साइड पे रख लें, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद के इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को एक तरफ ले हैं, बिकॉज हमने अभी ये देखा है कि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं कॉन्स्टेंट, और जो दो वेरिएबल्स हैं उन्हें दूसरी तरफ ले लेने, आप इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को पुट करते हैं 1.8 × 10⁻⁶ मोलर एंड देन 55.5 मोलर, ये आपके पास क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट करें, तो आप यहां पे -14 भी मैंने इसलिए किया बिकॉज आपके पास ये जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं, जब आप दो कॉन्स्टेंट्स को ऐड करते हो, दो कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट लेते हो या कॉन्स्टेंट्स को आप नेगेटिव करते हो, ठीक है, उनकी आप सब्सट्रैक्शन करते हो, तो आपके पास जो सेकेंड वैल्यू
वो भी एक कॉन्स्टेंट होती है। ऐसा ही है ना कि अगर आपके पास यहाँ पे के इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ वॉटर जो है ये दो कॉन्स्टेंट थे, इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट थे, और आपने इनका प्रोडक्ट लिया, तो जो आप न्यू आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी इट विल बी द थर्ड कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं इट इज के डब्ल्यू विच इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर। कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 × 10⁻¹⁴ मोलर स्फीयर, और अगर आप इसका नेगेटिव लॉग लें तो इट इज इक्वल टू 14। बच्चों अब यहाँ पे एक चीज माइंड में रखिएगा कि अगर इन दोनों वेरिएबल्स का कांस्टेंट जो है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आना है, इट मींस कि इन दोनों की कंसंट्रेशन जितनी चेंज होंगी, लाइक अगर किसी मीडियम के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती है उससे प्रोडक्ट आपका डिस्चार्ज हो सकता है। इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए उस सिस्टम के अंदर उतने ही OH नेगेटिव क्या होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। यानी इन दोनों वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज आता है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो उतना ही दूसरा वेरिएबल क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। समझ आ गए? इस चीज को मैं अभी रिलेट करूंगी विद द पीएच स्केल, जिसको हम कहते हैं कि वो 0 से 14 की रेंज में ही रहता है, और आपके पास जो है वो अगर इस रेंज से आप बाहर जाते हो तो कंसंट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है वो कॉन्स्टेंट से बाहर निकल जाती है, इसलिए वो अलाउड ही नहीं। कभी भी आपका जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 की रेंज को क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज आपके पास जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 14। ठीक है, 1 × 10⁻¹⁴, और अगर उसका नेगेटिव लॉग लें तो इट इज इक्वल टू 14। इस पॉइंट पर मैं दोबारा आती हूँ, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इतने कैलकुलेशंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट बच्चों इस चीज को हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं विद द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब अगर हमें किसी भी मीडियम के अंदर इन दोनों वेरिएबल की कंसंट्रेशन पता है, लाइक हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो वाटर है इसका आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कि इट इज 1.0 × 10⁻¹⁴ मोलर स्केयर। क्या हम इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं प्योर वाटर के अंदर? बिकॉज प्योर वाटर के अंदर हम एक कंडीशन रखते हैं कि हमेशा जो प्योर वाटर है उसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है किसके, हाइड्रोक्साइड आयन की। ये चीज कहते हैं ना कि प्योर वाटर में जितना एच पॉजिटिव आयन होता है उतने हमारे पास OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, अंटिल एंड अनलेस उसमें आप कोई एसिड या बेस एड ना करो, वो अगर आप प्योर सिस्टम प्रेजेंट है, प्योर वाटर प्रेजेंट। इट मींस कि अगर आप इस रूल को अप्लाई करो इस इक्वेशन के ऊपर, तो आप कह सकते हो कि इस कांस्टेंट में जितनी कंट्रीब्यूशन एच पॉजिटिव आयन की है उतनी ही कंट्रीब्यूशन OH नेगेटिव आयन की है, अगर ये सिस्टम प्योर है, बिकॉज प्योर सिस्टम के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हमेशा किसके इक्वल होती है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की। इट मीन कि आप अगर इस कंसंट्रेशन को हाफ करोगे तो आपके पास किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, एच पॉजिटिव की भी और OH नेगेटिव आयन की भी। इट मींस कि मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूं कि इन प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁷ मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻¹⁷ मोलर, और जब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास यही आंसर है, यही कांस्टेंट है। ठीक है, सो अगर आप इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज देखना चाहते हो कि प्योर वाटर के अंदर एच पॉजिटिव आयन की इंडिविजुअल कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो 1 × 10⁻¹⁷ मोलर होगी। प्योर वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 × 10⁻¹⁷ मोलर। और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो, बिकॉज हमने ये भी चीज कही है कि वाटर के अंदर चाहे वो प्योर है या उसमें आप कोई एसिड या बेस ऐड करते हो, हमेशा इन कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो इस कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, बिकॉज जब हम इन दोनों को इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा,
1 × 10⁻¹⁴ मोलर स्क्वायर। ये जो पीछे बैठे हैं आपको कितना चुपकी हो, समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक ओके। सो इस चीज को माइंड में रखते हुए हम किसी भी सिस्टम के अंदर जो वाटर की आयनाइजेशन हमने देख ली, अब हम प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को देखेंगे। यानी किसी भी मीडियम के अंदर अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें इस टाइम कितने प्रोटॉन्स जो है वो अवेलेबल है फ्री फॉर्म में या इसमें कितने OH नेगेटिव आयन अवेलेबल है, तो आप उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते। पहले हमने वाटर की आयनाइजेशन की बात की, अब हम जनरली बात करते हैं कि अगर हमने प्रोटॉन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को देखना है तो उनको किस तरह से कैलकुलेट करें। एंड देन वी मूव टुवर्ड द बफर। सो बच्चों आप लोग यहाँ पे अगर स्लाइड्स पे फोकस करते हो, यू कैन सी कि हमारे पास जो कोई भी, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिविंग सिस्टम और इसमें जो प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है। लाइक देयर इज अ कंडीशन जब आपके पास प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है या 10⁻¹⁰, ठीक है, देन आपके पास ग्रेजुअली ये कंसंट्रेशन 10⁻¹⁰ -1, 10⁻¹⁰ -2, 10⁻¹⁰ -3, 10⁻¹⁰ -4, यानी ग्रेजुअली आपके पास ये जो कंसंट्रेशन है इनमें चेंज आता जा रहा है। बिकॉज कंसंट्रेशन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो हमेशा इनके साथ जो है वो नेगेटिव पार्ट में जो है वो वैल्यूज लिखी हुई है। लाइक आप यहाँ पे अगर देखो तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन की मैंने बात की कि इस पर्टिकुलर प्योर वाटर के अंदर अगर हम प्रोटॉन कंसंट्रेशन की बात करें तो वो 1.0 × 10⁻¹⁷ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कंसंट्रेशन 1.0 × 10⁻¹⁔ भी हो सकती है, 1 × 10⁻¹⁥ भी हो सकती है। इधर एक्चुअली 1 तो नहीं लिखा गया, सिंपली 10⁻¹⁴ लिखा गया, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज सिंपली 1 को आप जो है वो ना भी लिखो तो आपको पता है कि फॉर श्योर इट इज 1। 10⁻¹⁴, 10⁻¹⁵। नेगेटिव टर्म्स में ये जो सिंपल सी वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 इनको तो कैलकुलेशंस में यूज करने में आसानी हो जाती है, लेकिन व्हाट इफ ये आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पीशी की कंसंट्रेशन जो है वो नेगेटिव में बहुत दफा रिपीट हो रही है, तो आपके लिए इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग इन कंसंट्रेशन को पहले कन्वर्ट करते हैं होल नंबर के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास किसी मीडियम के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन 10⁻¹⁰ है तो आप इसका नेगेटिव लॉग लोगे एंड आफ्टर नेगेटिव लॉग इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ होल नंबर 1। इसी तरह से अगर आपके पास प्रोटॉन कंसंट्रेशन 10⁻¹⁰ है और आप इससे पीएच को कैलकुलेट करना चाहते हो तो इट विल बी 2। यानी हम यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स हमारे पास जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन अवेलेबल होती हैं, इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन को हम फाइनली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द पीएच ऑफ सिस्टम और द मीडियम। सो आपके पास एक फॉर्मूला भी आ गया जिसके थ्रू आप किसी भी सिस्टम की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द प्रोटॉन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सिस्टम और द मीडियम। और यहाँ पे ये जो पी है ये किस चीज को डेजिग्नेट कर रहा है? नेगेटिव लॉग। और ये जो आपके पास एच है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। इट मींस कि अगर आप किसी भी मीडियम की पीएच कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आपके पास उस मीडियम की प्रोटॉन कंसंट्रेशन गिवन होनी चाहिए। जब तक आपके पास प्रोटॉन कंसंट्रेशन नहीं होगी आप उसका नेगेटिव लॉग नहीं लोगे, आप उसकी पीएच कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो पीएच ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम is equal to negative log of proton concentration. ठीक हो गया? ये तो प्रोटॉन कंसेंट्रेशन है ना। इसी तरह से अगर आप पीओएच की बात करते हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन, तो आप कहोगे कि अगर आपके पास किसी मीडियम के अंदर प्रोवाइड की गई है ओएच नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन, आप उस मीडियम की इस नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन का अगर नेगेटिव लॉग लोगे तो नेगेटिव लॉग को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो विद स्मॉल पी। आप कह सकते हो कि इस टाइम इस मीडियम की जो पीओएच है इट विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर कि पहले आपने प्योर सिस्टम को पढ़ा, वाटर को पढ़ा कि किस तरह से वो डिसोसिएट होगा, प्योर वाटर के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है,
फिर आपने ये चीज पढ़ी कि आप अब जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर प्रोटॉन्स या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने अभी भी माइंड में रखनी है कि बिकॉज हमने इन कंसेंट्रेशन को भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन हमेशा एक कॉन्स्टेंट के इक्वल होती है, ठीक है। उस कॉन्स्टेंट को हमने उसकी वैल्यू क्या निकाली थी, 1.0 × 10⁻¹⁴, ठीक है, मोलर स्केल। इट मींस कि इन दोनों जो आपके पास इंडिविजुअल आयंस हैं, प्रोटॉन्स एंड ओएच नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन, आफ्टर नेगेटिव लॉग भी इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स ही रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम सिंपली उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कॉन्स्टेंट का नेगेटिव लॉग क्या आएगा। तो अगर आप इस के डब्ल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हो, इट विल बी पी के डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 14। नेगेटिव लॉग ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 14, विच मीन्स कि आपके पास जो होल वैल्यूज हैं, अगर आप इनको देखो तो आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन की, वो 14 है, और ये किसी भी सिनेरियो में चेंज नहीं होगी। अब अगर इस पॉइंट को माइंड में रखते हो, आप दोबारा से इन स्लाइड्स को फोकस करो, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इस सिस्टम के अंदर अगर आप यहां पे देखो, प्रोटॉन कंसेंट्रेशन अगर आपके पास इस टाइम 10⁻¹⁰ है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, तो इससे सिस्टम की पीएच कितनी आएगी, 0। लेकिन आपके पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू 14 है, इट मींस कि इसका जितनी भी कंसंट्रेशन है, जितनी भी वैल्यू है, वो ओएच नेगेटिव आयन ऑक्यूपाई करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपके पास सेकंड सिस्टम है, तो इसमें आपके पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन 10⁻¹⁰ है, विच मीन्स कि पूरी जो वैल्यू है उसमें 1 कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोटॉन्स की है, एंड द रिमेनिंग 13 विल बी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो जितनी जितनी किसी भी मीडियम के अंदर प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, उतनी उतनी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होती है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द प्योर वाटर, जिसमें आपके पास दोनों जो आयंस हैं, एच पॉजिटिव आयंस एंड ओएच नेगेटिव आयंस, इन दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल है। इस टाइम आपके पास सिस्टम की पीएच भी 7 है और उसकी पीओएच भी कितनी है, 7 है, और इनका प्रोडक्ट आपके पास कितना आएगा, आयनिक प्रोडक्ट कितना आएगा, 14, और आयनिक प्रोडक्ट क्योंकि नेगेटिव लॉग है, और नेगेटिव लॉग को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उसका सम लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 14। सो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज अ फिक्स्ड वैल्यू, और अगर दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल कम होता है तो जितना उसमें कमी आएगी उतना ही दूसरा वेरिएबल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इज इट क्लियर? कितना टाइम है, पता नहीं, सो रहे थोड़ा ही है। ओके, सो इस स्केल में अगर आप देखें तो हम जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एसिडिक या बेसिक नेचर को, या उनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो इस पीएच स्केल के ऊपर अगर हम अप्लाई करें, आपने ये चीज याद रखनी है कि दिस इज अ नेगेटिव लॉ। इसमें जितनी आपके पास कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही आपके पास पीएच या पीओएच का एक्सप्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम नेगेटिव रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं ना, नेगेटिव लॉ है। तो आपके पास अगर किसी मीडियम के अंदर प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, इट मीन्स कि उसमें आपके पास पीएच वैल्यू क्या आती जाएगी, ज्यादा आती जाएगी, ठीक है, और जितनी प्रोटॉन कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी उसी हिसाब से आपकी जो पीएच है वो भी रेसिप्रोकली क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। सो आपके पास जो लो पीएच वाले जितने भी सॉल्यूशंस हैं इनके अंदर प्रोटॉन कंसेंट्रेशन हाई है, ज्यादा वो 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, 1 से जो बिलो वैल्यूज है वो आपके पास एक जो है वो छोटा नंबर होता है, स्मॉल नंबर होता है, और मैक्सिमम आपके पास 1 मोलर कंसेंट्रेशन। सो टॉप से बॉटम अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन इस टाइम सिस्टम की पीएच क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो जितनी कम पीएच होगी उतना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन कंसेंट्रेशन क्या होगी, हायर होगी, उतना वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। सो वी कैन सेट द डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रल एसिडिक और द बेसिक बिहेवियर ऑन दिस स्केल, जिसकी रेंज 0 से 14 तक, ठीक है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल है जिसमें सारे के सारे जो उसके अंदर मीडियम है वो प्रोटॉन्स ही हैं, जैसे HCl की बात हो रही है, वन मोलर कंसंट्रेशन इसमें H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंट होती है इसमें और नेगेटिव आयंस नहीं है, तो इस मीडियम को आप जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन असाइन करोगे बिकॉज ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो कर रहा है। इसी तरह से आपके पास जिस जिस सोल्यूशन की जो जो पीएच है उस हिसाब से आप इसे सेट करते जाओगे, देयर आर सम सोल्यूशंस जो कि न्यूट्रल है, फिर आपके पास कुछ ऐसे बफर्स हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि एसिडिक नहीं बल्कि बेसिक बिहेवियर को ज्यादा शो करते हैं, ठीक है। सो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये जो आप तीन कैटेगरीज असाइन करते हो ये आप उन मीडियम के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन और उससे फाइनली पीएच एंड पीओएच को कैलकुलेट करने के बाद असाइन करते हैं, ठीक है। एक और बात बच्चों, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं आप लोगों को कोई ऐसा न्यूमेरिकल देती हूँ, ये बल्कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी भी, जिसमें आप लोगों को ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जाए तो क्या आप उसकी पीएच निकाल सकते हो? Yes, ma'am. इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आइएगा, बल्कि आप लोग ये चीज लिख लें, ये एक न्यूमेरिकल लिख लें आप लोगों की। मैंने इसी वीक के अंदर एक असाइनमेंट अनाउंस करनी है और उसके अंदर ये आप लोगों ने प्रैक्टिस एक क्वेश्चन इसकी भी करनी है। अगर आपके पास यू हैव अ सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल 1.0 × 10⁻³ मोलर, उस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, ये आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ आपने इसे भी ऐड करना है। यू हैव अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए, उस सॉल्यूशन के अंदर आप OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हो और वो कंसंट्रेशन आती है 1.0 × 10⁻³ मोलर। अब इस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी ये आपने कैलकुलेट कर दी, ओके। मैं आप लोगों के सामने कुछ एक डेफिनेशंस बता के जाऊंगी जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल स्टडी करेंगे, कि सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है और वीक एसिड्स और वीक बेसिस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब हमने बफर की बात करनी है तो वहां पे हम वीक एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव एन आइडिया कि व्हाट आर द एसिड्स एंड व्हाट आर द बेसिस। जी क्या होते हैं एसिड्स? प्रोटॉन डोनेट करते हैं। एसिड इज एनी स्पीशी जिसको आप किसी एक्वियस मीडियम के अंदर डिसॉल्व अगर करते हो या उसको ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एसिड HNA, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में अगर आप क्या करते हो एक्वियस मीडियम के अंदर इस एसिड को ऐड करते हो तो एसिड अपने प्रोटॉन्स को लूज कर देगा, रिलीज कर देगा और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो ए नेगेटिव जो है वो इस फॉर्म में आता है। इट मींस कि एक्वियस मीडियम के अंदर कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि अपना प्रोटॉन डोनेट करती है उसको हम कहते हैं इट इज एसिड, और कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि उस मीडियम के अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ स्पीशी बी सॉरी एंड दिस इज H3O पॉजिटिव, और इस केस में आप अगर एक्वियस मीडियम की बात करते हो तो बिकॉज दिस इज अ बेस और बेस की क्या जनरल डेफिनेशन है, एक्सेप्ट कर लेते प्रोटॉन, सो आप अगर आप इसको एक्वियस मीडियम के अंदर ऐड करते हो तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो प्रोटॉन जो इस टाइम आपके जो है वो वाटर में रिलीज करना है, डोनेट करना है, तो उसको क्या करेगी ये बेस एक्सेप्ट करेगी, सो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटू बी एच फॉर्म के अंदर। This is the base जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करती है, एक्सेप्टर एंड दिस इज डोनर, ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एसिड और बेसिस का तो हमें पता चल गया, वीक एसिड्स और वीक बेसिस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि किसी भी मीडियम के अंदर हमेशा अपना प्रोटॉन रिलीज करता है, लाइक आप HCl की एग्जांपल लेते हो तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अभी भी हमने पीएच स्केल में सबसे जो लोएस्ट पीएच है वो इसी की देखी है, इसकी पीएच जीरो है, इट मींस कि इसमें मैक्सिमम जो हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करने का पोटेंशियल है वो प्रेजेंट है। सो अगर आप HCl को किसी एक्वियस मीडियम के अंदर ऐड करते हो तो ये HCl अपने प्रोटॉन को रिलीज करेगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन,
यानी हमेशा बगैर किसी कंडीशंस को देखे, ये जो HCl है, ये जो एसिड है, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि ये अपने प्रोटॉन्स को हमेशा रिलीज करेगा और अपने जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है उसमें चला जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, इसका अगर आप यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन का साइन देखते हो तो इट इज इरिवर्सिबल, यानी ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पे प्रोटॉन एंड Cl नेगेटिव आयन दोबारा से जो है वो इनका रीयूनियन हो और ये HCl में कन्वर्ट हो, नो। एक्वियस मीडियम में हमेशा HCl डिसोसिएट होगा और H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपने अगर किसी वाटर के अंदर दो ड्रॉप्स डाले हैं HCl के, तो उसने उसके अंदर जितनी एबिलिटी थी, जितने प्रोटॉन्स वो रिलीज कर सकता था, उसने सारे रिलीज कर। दूसरी तरफ यू हैव अ सेकंड एसिड, दिस एसिड इज एक्चुअली अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड। इसमें आप ये देख सकते हैं कि देयर इज अ रिवर्सिबल चांसेस, आपके पास जो एसिटिक एसिड है अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, एसिटेट आयन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, इस टाइम पे ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। लेकिन सम टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ये जो एसिटेट आयन है, बिकॉज दिस इज अ बेस, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, जो कि एसिड के प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद प्रोड्यूस होती है, दिस कॉन्जुगेट बेस विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू द एसिटिक एसिड अगेन। यानी आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो अपने साथ कॉन्जुगेट बेस को रिलीज नहीं करते, ये ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि हमेशा किसी भी मीडियम के अंदर सिर्फ डिसोसिएट होंगे, दोबारा से इनकी एसोसिएशन नहीं होगी। और दूसरी तरफ आपके पास देयर इज अ वीक एसिड, वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि एक तो हर कंडीशन में अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं करते, बड़ा सोच समझ के कंडीशन जब इनके जो हक में बेहतर होंगे तब अपना प्रोटॉन रिलीज करेंगे। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उन कंडीशंस को भी देखेंगे कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से कंडीशंस हैं जिसमें ये एसिटिक एसिड या वीक एसिड्स अपना प्रोटॉन रिलीज कर सकते, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ये भी चीज देख रहे हैं कि इनके पास जो है वो सेकेंड ऑप्शन भी है, अगर जो है वो कंडीशन अनफेवरेबल है या किसी वजह से किसी मीडियम के अंदर प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, उस टाइम पे ये अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि ये उस प्रोटॉन को भी पिक करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अपनी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ गई? सो दीज आर द वीक एसिड्स एंड दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सेम इज द केस विद द वीक बेसिस एंड वीक स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस की भी अगर आप बात करते हो NaOH की, तो हमेशा डिसोसिएट होंगी, हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देंगी, और अगर आप जो है वो वीक बेसिस की बात करते हो तो उनका भी जो पूरे का पूरा पैटर्न है वो किसकी तरह का होगा, वीक एसिड्स की तरह। अगर हम किसी वीक एसिड की बात करें तो बिकॉज वीक एसिड एक रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ लिंक है, और जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं उनका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो है वो इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास जो है वो अनडिसोसिएशन जो है वो ज्यादा फेवरेबल है, तो आपके पास ये दोनों जो है प्रोटॉन्स एंड K नेगेटिव, दे विल कंबाइन एंड दे विल प्रोड्यूस KA अनडिसोसिएटेड एसिड। और अगर किसी मीडियम के अंदर प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन कम है और प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन वापस उस रेंज के ऊपर लानी है, उस टाइम के ऊपर ये एसिड दोबारा से डिसोसिएट होगा, प्रोटॉन को रिलीज करेगा और साथ में कॉन्जुगेट बेस को रिलीज कर देगा। So, अगर इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को भी उसी तरह से हम लोग इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट करें, वी विल सी इस केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके इक्वल होगा, ये के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कौन सी है प्रोडक्ट बताएं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड द प्रोडक्ट नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए थ्री एसोसिएटेड एसिड, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को या इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस K equilibrium को हम specifically कहेंगे because this is the K equilibrium of an acid dissociation reaction, तो हम sometimes इसको KA भी लिख देते हैं।
कि आपके पास किसी भी वीक एसिड का जो डिसोसिएशन है, ये इक्वेशन अब अगर आप लोग नोटिस करें तो ये सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड्स के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं ना, जहां पे आपके पास अगर HCl है तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वीक एसिड्स में ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि वो अपने साथ एक कॉन्जुगेट बेस को रिलीज करते हैं और ये कॉन्जुगेट बेस दोबारा से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अनडिसोसिएटेड एसिड के अंदर। तो अगर आप इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का आप निकालें के इक्विलिब्रियम, तो इट विल बी इक्वल टू H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय H A, और इसको हम इस इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट को कहेंगे कि इट इज इक्वल टू द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी आप किसी केमिकल रिएक्शन में वीक एसिड की एसिड के तौर पे एक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसका पोटेंशियल निकाल दो, या इन सिंपलेस्ट वर्ड्स मैं ये कहती हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग है, उनकी कोई कंडीशन नहीं है, वो अपना प्रोटॉन हमेशा से रिलीज करेंगे। लेकिन जो वीक एसिड है उनकी प्रोटॉन जो डोनेट करने की एबिलिटी है, प्रोटॉन को लूज करने की जो एबिलिटी है, उसको कोई चीज कंट्रोल कर रही है, कोई पैरामीटर कंट्रोल कर रहा है, एंड दिस पैरामीटर इज एक्चुअली के ए विच इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपके पास कोई ऐसा वीक एसिड है जिसकी के ए वैल्यू हाई है तो वो ज्यादा एसिड के तौर पे एक्ट करेगा और अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा, और अगर आपके पास के ए वैल्यू कम आती है तो उसका जो एसिड के तौर पे एक्ट करने की एबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी और वो अपना प्रोटॉन इतना एफिशिएंटली लूज नहीं करेगा, समझ आ गई। और अगर इसी चीज का हम नेगेटिव लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पी के ए, अब आपके पास रिलेशनशिप रिवर्स हो जाएगा। अगर दो वीक एसिड्स को आप कंपेयर करेंगे तो वो वीक एसिड जिसका जिसकी पीके वैल्यू लो है वो ज्यादा जल्दी प्रोटॉन को लूज करेगा, और दूसरा एसिड जिसकी पीके वैल्यू हाई है वो इतना एफिशिएंटली जो है वो प्रोटॉन को लूज नहीं करेगा, ठीक है। सो ये नेगेटिव लॉग लेने के बाद आपने जो रिलेशनशिप है उसको इनवर्स लेके चलो, और विदाउट नेगेटिव लॉग आपका कौन सा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट। इज इट क्लियर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइट्रेशन से स्टार्ट करेंगे और इस साइट्रेशन कर्व को इन डिटेल्स पढ़ेंगे।